क्या आप भी वही मोबाइल की बोरिंग वॉलपेपर लगाकर मोबाइल में बोर हो चुके हैं? तो यार फिक्र मत कीजिए, आप ध्यान से मेरी इस मोबाइल की स्कीम को देखिए और देखिए इसमें कितना बेहतरीन हमारा गैलेक्सी शैडो वॉलपेपर लगा है और क्या बेहतरीन लग रहा है नज़ारा। यार मैं आपको इस जानकारी देने वाला हूँ कि आप भी अपने मोबाइल में यह शैडो गैलेक्सी वॉलपेपर कितनी आसानी से लगा सकते हैं और बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसा ब्रह्मांड ही मेरे मोबाइल में पूरा दिखाई दे रहा हो। यार बहुत अच्छा लग रहा है, तारे चमकते हुए गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके के वॉलपेपर बहुत अच्छे लगते हैं यार। जब कोई फ्रेंड अगर आपका फ़ोन देखेगा या फैमिली मेम्बर देखेगा तो यार उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार देखते ही उसको यार ऐसे लगेगा, वो आपसे तुरंत कहेगा कि यार मुझे भी बता दे यार ये वॉलपेपर आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, कैसे लगाया है, तो वो तुरंत ही आपसे पूछने लगेगा। तो आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप यह वॉलपेपर सेट कर पाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यार अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आपको बता दें कि आप ऐसे वॉलपेपर अपने मोबाइल में सेट कैसे कर सकते हैं, मोबाइल की डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेट कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपल से इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यार मैं उसका बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, यहाँ पर आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है शैडो गैलेक्सी। तो यार आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पर जो कि शैडो गैलेक्सी ये ऐप आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। यदि आपसे यह इंस्टॉल नहीं हो रहा तो यार मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आप जाकर वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार आप जब डाउनलोड कर लें इसको तो आपको इसको ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेना है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे सकता है। तो यार आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे ओपन एंड सेटिंग का। तो सिंपल सी आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ओपन पर यहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यार लोडिंग हो रहा, तो यार यहाँ पर अपना वॉलपेपर जो कि यहाँ पर शो हो गया है। तो यार आपको यहाँ पर टू ऑप्शन मिल रहे होंगे नीचे, तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है सेटिंग का। तो फर्स्ट नंबर पर आप देख लेते हैं, सेटिंग में यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, यदि आप चाहो तो चेंज करना चाहो या नहीं कर सकते हैं, चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, यदि नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज वैसे ही इसकी रहती है। तो यार आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको जो कि राइट साइड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल सी आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे तो आपके सामने टू इंटरफेस दिखाई देंगे, टू ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सेट टू डेस्कटॉप एंड सेट टू लॉग स्कीम एंड डेस्कटॉप, तो आप यहाँ से जिस पर भी आप सेट करना चाहते हैं उस पर आप कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको सेट टू डेस्कटॉप पर करना है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यार आपका जो गैलेक्सी वॉलपेपर है शैडो, तो यार वो यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यार मेरा यहाँ पर वॉलपेपर पूरी बड़ी ही आसानी से सेट हो चुका है। तो आप अपने वॉल में बड़ी ही आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। तो यार वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो यार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस ऐप से रिलेटेड तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना यार, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको।